नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। खबर है आजमगढ़ शहर के सिविल लाइन यूनियन बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय पर। यहां पर यूनियन बैंक के कर्मचारियों के द्वारा जनता और बैंक कर्मचारियों की समस्या को लेकर सभी कर्मचारी बैठे धरने पर। इन कर्मचारियों ने धरने पर बैठते हुए अपने कई तरह की मांगे भी रखी। हम आपको बता दें कि इन मांगे में कुछ इस प्रकार है। बैंक कर्मचारियों पर भारी कमी के कारण उत्पन्न समस्या को हल न करना एवं शेष महिला कर्मचारियों को परेशान करना, विवादित जॉब रोटेशन को भेदभाव के तरीके से कर्मचारी एवं खासकर महिला कर्मचारियों को समस्याओं को रखना, अधीनस्थ वर्ग के वर्षों से रिक्त पदों को अस्थायी कर्मचारियों से ना भरकर द्विपक्षीय वार्ता समझौते की धाराओं का उल्लंघन किया जाना। इस धरने में काफी संख्या में मौजूद रहे बैंक कर्मचारी, जिसमें मुख्य रूप से भूमिका निभा रहे SD मिश्रा चेयरमैन, UC शुक्ला अध्यक्ष, राकेश पांडे महामंत्री, लाल बहादुर शर्मा क्षेत्रीय महामंत्री, नागेंद्र सिंह क्षेत्रीय अध्यक्ष और इन लोगों के द्वारा इस धरने को संबोधित किया गया। आप बने रहिए हमारे न्यूज चैनल से, मैं आपको ऐसे ही घटनाओं से रूबरू कराता रहूंगा। मनोज कुमार सिंह के साथ कैमरामैन अशोक कुमार विश्वकर्मा की रिपोर्ट। ये भी हमारा ये झगड़ा यहाँ पे है कि बैंक उसके लिए तैयारी करे, हमारे यहाँ जो पहले के जो टेम्परेरी लोग हैं उनको भी बोनस दे और जो सुविधाएं परमानेंट एम्प्लाई को मिलती हैं वो सुविधाएं यहाँ के टेम्परेरी एम्प्लाई को दिया जाए। आपने आपने देखा ये चीज, आपने देखा कि अभी शुक्ला जी ने बताया है इस चीज को कि यूनियन बैंक, अभी तक आप शायद जानते होंगे या नहीं जानते होंगे, मैं आपको बता दूं इस न्यूज के माध्यम से कि शुक्ला जी ने जो कहा है कि यूनियन बैंक के कर्मचारियों को यूनिफॉर्म भी दिया जाता है, जैसा कि यूनिफॉर्म भी अलाउ होता है, और इसके बाद जो लोग परमानेंटली मतलब उस पे संविदा तौर पे काम कर रहे हैं वो परमानेंट किए जाएं, इस सिलसिले में इन लोगों ने धरना प्रदर्शन किया है। और उसके बाद पब्लिक जो बैंक में इकट्ठा हो रही है उसके लिए कि पब्लिक भी परेशान ना हो और भीड़ वहाँ पे बैंक में ना लगे और हर एम्प्लॉय जो है वो अपने काम को स्वेच्छा से करके काम खत्म कर दे, इस चीज की वजह से इन लोगों ने धरना प्रदर्शन किया है। दूसरे एम्प्लॉय हैं इसी बैंक के, मैं आपको लेकर चलता हूं उनके सामने, आइए देखिए। जी आपका नाम? मैं SD मिश्रा हूं, संगठन इस यूनियन NCB का संस्थापक है जी। और ये हमारे साथ में राजेश्याम सिंह साहब कारपोरेशन बैंक से आए हैं, जो यूनियन बैंक का पार्ट बन चुका है, ये हमारे वरिष्ठ पदाधिकारी हैं। हम लोग यहाँ पर आए हैं धरना में पार्टिसिपेट करने के लिए और इस अभी हमारे अध्यक्ष जी ने जो बताया, इसके साथ ही मैं ऐड करना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा हुआ है कि जिन लोगों ने 10 साल तक टेम्परेरी काम बैंक में वैकेंसी में कर लिया है उनको रेगुलर कर दिया जाए, लेकिन हमारा बैंक रेगुलर करने को तैयार नहीं है। उनका हमारे शाखाओं में तमाम लोगों को टेम्परेरी है, जब चाहते हैं मैनेजर निकाल देते हैं, सुबह 9 बजे रात के 9 बजे तक काम लेते हैं, लेकिन तनख्वाह नाम पर 200 रुपया, 150 रुपया, 300 रुपया कोई पैकेट देता है, कोई फर्जी बिल बनवा के देता है, लेकिन उनको टेम्परेरी न माना जाए ऐसा राजनीति कर रहे हैं, इसका हम विरोध करने आए हैं। तो सर आज आप लोगों ने बैंक का स्ट्राइक भी तो कर दिया होगा, ID बढ़ा दी जाती है, जो हमारे यहाँ कंप्यूटर में पढ़ाते हैं उससे काम लिया जाता है, तो चूंकि वो काम करता नहीं इससे गलती होने की संभावनाएं बढ़ जाती है और उस कारण ग्राहकों को भी काफी परेशानी होती है। आप किसी भी आजमगढ़ क्षेत्र के यूनियन बैंक अग्रणी बैंक रहा है, आप कहीं भी किसी भी शाखा में चले जाइए और वहाँ की हालत देख लीजिए, किस तरह से कस्टमर खड़े हैं, ग्राहक खड़े हैं और परेशान हो रहे हैं। तो अगर यहाँ कर्मचारियों की संख्या नहीं बढ़ाई जाएगी तो कर्मचारियों और ग्राहकों दोनों के लिए सुरक्षित नहीं होगा। धन्यवाद सर, आप बने रहिए हमारे न्यूज चैनल से। मैं मनोज कुमार सिंह, न्यूज 9 भारत। धन्यवाद।